कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का काम जोरों पे किया जा रहा है। वैक्सीन के प्रभाव को समझने के लिए वैज्ञानिकों की रिसर्च भी जारी है। यूके द्वारा जारी एक नए डेटा में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को 90% तक कारगर बताया गया है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन की दो डोज कोरोना के लक्षण वाली बीमारी में 85-90% तक सुरक्षा देती है। भारत में ये वैक्सीन लोगों को कोविशील्ड के नाम से दी जा रही है, जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार इस वैक्सीन को लगाने के बाद 9 मई तक 60 और उसमें अधिक उम्र के लोगों में 13,000 मौतें होने से रुकी हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि वैक्सीनेशन के बाद 65 से अधिक की उम्र के लगभग 40,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी है। यूके के स्वास्थ्य सचिव मैट हैकॉक ने एक बयान में कहा है, ये नया डेटा दिखाता है कि वैक्सीन जिंदगी बचाती है और संक्रमण होने के बाद अस्पताल जाने की संभावना कम करती है। नए वेरिएंट के खतरे में वैक्सीन लगवाना और भी जरूरी हो जाता है। यूके में लगभग एक तिहाई आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। यहां अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहली डोज देने की कोशिश की जा रही है। यहां वैक्सीन के दो डोज के बीच का समय 12 सप्ताह तक बढ़ाया गया है। इससे पहले PHE ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की एक डोज के प्रभाव पर भी डेटा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वैक्सीन की पहली डोज मौत का खतरा 80% तक कम कर देती है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।